अगले दिन में कब कौन सा क्या मुहूर्त निकलेगा ये किसी इंसान को नहीं पता होता। इंसान दिन के उजाले में नहीं सोचता है, सोचता है तो वो काली अंधेरी रात में। ब्लैक मतलब प्रेम, बदला, डर, वासना, और इन सब का रंग है ब्लैक। एंड आई एम इन लव विद दैट कलर। हैप्पी क्रिसमस सर, योर ड्रिंक। एंड आई हेट क्रिसमस लाइट्स, सांता क्लॉज एंड फेक हैप्पीनेस। It destroys the serenity that becomes the night. विश्वास से सब गुनाहों की सजा है अगर पकड़ा जाए तो। ओनली क्राइम दैट इज कॉट विल बी पनिश्ड। पकड़े गए गुनहगारों को सजा मिलेगी, नहीं तो वो आजाद है। अबे तेरी तो दिखाई नहीं देता है क्या? कहां देखकर गाड़ी चला रहे हो? आई एम सॉरी, आप लोगों ने अचानक स्लो किया तो आई कुडंट स्टॉप। ज्यादा चोट लगी है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ये बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है यार। अरे खून निकल रहा है, हॉस्पिटल चलते हैं। मैं ड्रॉप कर दूंगा। कहा ना उसकी जरूरत नहीं। अरे सुन मीनू, ये आदमी बात सही कह रहा है, हम लोग हॉस्पिटल ही चलते हैं। और जाते वक्त कोई वर्कशॉप मिले तो वहीं पर गाड़ी ठीक करवा देंगे। चल चले। चलो यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, मेरी गाड़ी में चलते हैं। आई ड्रॉप यू, कम गेट इन। चल आजा। By the way, I'm David. शान, क्या करते हो? जर्नलिस्ट हूं, डेली टाइम्स, वो भी डेप्यूटेशन में। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। पेन किलर दे दिया है, एक्सरे आने तक आपको इंतजार करना होगा। फ्रैक्चर हुआ नहीं है इसलिए आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके। साथ में है वो? फ्रेंड है, वीणु। आप लोग कहां से आ रहे थे इतनी रात को? वीणु नाम का पेशेंट आपके साथ आया था ना? जी हाँ। वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा।
What? बगल वाले पेशेंट ने बताया कि वो बैकडोर से बाहर चला गया। Damn it! शान, calm down. वो किसी जरूरी काम से बाहर चला गया होगा। It's Christmas Eve, man, and the night is still young. अरे आप जानते क्या हो? I have to find him. Vinu! 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 क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां गया होगा। वैसे हम ढूंढ निकालेंगे, जंक्शन पर किसी ने तो देखा होगा। कम क्या हुआ शान, कोई प्रॉब्लम है? यू नो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम है तो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, पक्का नहीं कर सकता, बट आई कैन ट्राई। हमारी पहचान नहीं हुई शान। आई एम डेविड अब्राहम, IPS, क्राइम ब्रांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिविजन, लेकिन अभी मैं सस्पेंड हूँ। And now, suddenly you seem to have a problem. No, sir, there is no problem. And I'm extremely sorry about that accident. मैं जानता नहीं था। That's all right. Nice house. ये कंपनी का गेस्ट हाउस है सर, और मैं यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ। सर आप आए हैं तो एक कप कॉफी पी सकते हैं। इस समय कॉफी कौन पिएगा? Maybe some other time. Good night. Good night sir. Sorry for the trouble and happy Christmas. Happy, I don't know. That's subjective, I guess. Let me hear the kick go boom. Yeah.
eyes are never green. Got a mind full of pain and I'm always tied up in chains. Before you make your move, I own the game. Trip. Now it's your queen, now she won't complain. Fortune and fame, I'm changing my lanes, but I'm still the same. My mind over matter, the quest in my brain, let the truth unravel. I'm in a battle with no weapons, just my intellectual lessons. Lay low, stay close to the darkness. Mind quiet, I can hear the backstabbers. Adrenaline takes over dopamine. No second chances, it's all for me. मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं, अभी जीकर कोई फायदा नहीं है। जो नुकसान मुझे हुआ, मेरा ये हाल उसी की वजह से है। शायद इसे ही विधि कहते हैं। मैं जिंदगी के डर से या नफरत से नहीं, बल्कि प्यार से मरना चाहता हूं। मेरा यही मानना है, कल मेरे सफेद कपड़े वाले शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा। मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन दूसरी दुनिया में। भाई साहब, यहाँ पर गिरिनगर हाउसिंग कॉलोनी कहाँ है?
यहाँ से थोड़ा आगे ऑर्किड विला है क्या? ऑर्किड वही ऑर्किड विला, आगे जाकर तीसरा घर। थैंक यू। भाई साहब क्या हुआ यहाँ? यहाँ का एक लड़का है विनू, उसकी बॉडी हिल टॉप के नीचे मिली है, उसने सुसाइड किया है। माँ और उसके रिश्तेदार बॉडी लेने गए हैं, सारे लोग बॉडी आने का इंतजार कर रहे हैं। कल रात को मैंने तुमसे पूछा था कि कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं कौन हूं ये भी बताया था, मेरी डेजिग्नेशन भी बताई थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। यू डिडंट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव ऑल द बुलशिट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट डिड यू? हुआ यूं कि शान और वीनू जा रहे थे रास्ते में, फिर एक्सीडेंट, और इसके बाद हॉस्पिटल से वीनू गायब हो जाता है। सारे शहर में हमने कल रात छानबीन की लेकिन वो नहीं मिला, और उसके बाद से तुम अफसोस में हो। एंड लुक एट योर हाउस नाउ, जैसे तुम पहली बार मिले थे अब वैसे नहीं हो, और ये घर भी वैसा नहीं है। तुम्हारे साथ था ना जो वीनू, वीनू रामचंद्रन, कल रात को उसने आत्महत्या कर ली। मैं एक पुलिस वाला हूं, इसलिए मेरी नजर में ये सब कुछ सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारा थोड़ी देर पहले मुझसे परिचय हुआ शान, और तुम बेगुनाह हो इसका मुझे विश्वास है, और इसलिए ऑफिशियली और अनऑफिशियली मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुमसे वापस वही सवाल पूछ रहा हूं, इज दैट अ प्रॉब्लम? यस सर, देयर इज।
यहां से निकल जाना ही अच्छा होगा। मैं और मेरा दोस्त किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी, अ लॉट ऑफ मनी। उसी वजह से हम सब लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं सर। राइट नाउ टू बी फ्रैंक, वी ऑल आर रनिंग फॉर लाइफ सर। मनी जरा बोलो तो कितना है? हाउ मच? 1,75,00,000। वॉट? मैं ले आया। आ जाओ। ये क्या है? केक लाया है। साइकिल, सिरिल सैमुअल, पिता जेकब, बहुत ही बड़े आदमी। 10 से 12 साल सऊदी में मेहनत की और पैसा जमा किया। 200 एकड़ जमीन खरीद कर एक बहुत बड़ी टी फैक्ट्री उन्होंने ओपन की थी। वैसे तो फैक्ट्री बहुत ही अच्छे से चल रही थी, बट बाद में पता नहीं क्या हुआ, उस टी फैक्ट्री को ताला लग गया और बैंक से आई हुई नोटिस की वजह से ही फिलहाल जेकब की जमीन बची हुई है। ये कहीं बाहर काम करता है और अपने घर का खर्चा उठा लेता है। वीणु रामचंद्रन, हमारे फ्रेंड्स में अगर कोई नॉर्मल है तो वो यही है, और सबसे समझदार भी। बाद में खाएंगे। ये इसकी माँ और एक बहन। SBI बैंक में काम करने वाले रामचंद्रन जी का स्कूटर एक्सीडेंट में देहांत होने की वजह से उनके परिवार को अच्छा प्रोविडेंट फंड मिला। उन पैसों से वीणु ने इंटरनेट कम DTPC सेंटर शुरू किया। उसी के भरोसे यह परिवार चल रहा है और हमारे लिए हैंगआउट भी है। सारे ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आगे खड़ा रहने वाला आदमी, सारे फैसलों में सही फैसला लेने वाला आदमी हमारे ग्रुप का लीडर। उसका नाम है एबी उर्फ एबनीजर। उसकी परवरिश एक कैथोलिक ऑर्फनेज में हुई। हमारे ग्रुप में बस वही एक बंदा प्रैक्टिकल है। सिर्फ अल्लू अर्जुन के फिल्म को मलयाली में रिलीज करने वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में मैनेजर है। अल्लू अर्जुन साल में सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज करवाता है, इसलिए वो ज्यादा समय तक फ्री ही रहता है। एबी, क्या प्लान है? सब इसी का सेटअप है। मुझे इसने फोन करके कहा कि घर में किसी की तबीयत खराब है और मुझे ऑफिस से जल्दी बुला लिया। अपने मामा को सरप्राइज देना चाहता है, हैप्पी वाला बर्थडे मनाने के लिए। कैसे नहीं आता? ए, वो लोग आ रहे हैं। अरे वो लोग आ गए, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऋषान, दरअसल आज मेरे मामा का 55वां जन्मदिन है और उनकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी मनाने के लिए मैंने अपनी माँ से 5,000 रुपए उधार लिए हैं और ये सारी तैयारी उसी से हो रही है। जल्दी आओ ना। Happy birthday to you. Mama, mommy. हमारा ग्रुप कंप्लीट करने के लिए एक और को जोड़ना पड़ेगा, जेसिका, जो बहुत ही प्यारी है। उसे हम प्यार से जेसी बुलाते हैं। वो जब से 3 महीने की थी तब से लेकर बड़ी होने तक ग्रीन मेड ऑर्फनेज में ही उसकी परवरिश हुई है। इन ए लॉट ऑफ वेज उसके जैसी सुंदर लड़की मिलना नामुमकिन है।
फिर क्या हुआ? फिर क्या, सब कुछ तो बता दिया। चलो भाई मैं तो चलता हूँ, कल रात को फिर हम ऑफिस में मिलेंगे। ओके एबी, तुम मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो ना यार। तुरंत जा रहे हो? थोड़ी देर और रुको ना। अरे नहीं यार, बहुत लेट हो गया हूँ। ठीक है चलता हूँ। ओके चलता हूँ, कल मिलेंगे रात में। ओके हाँ ठीक है एबी, चलिए यार। भाई तू ये सब क्लीन करके नीचे आ, तब तक मैं उससे बात करता हूँ। मैं तो नाराज हो गई होगी। चल बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। जैसी मैं बोल रहा हूँ, तुम सो गई क्या? पीते ये लोग हैं और साफ मुझे करना पड़ता है। अब बास्केट कहाँ रखा हुआ है? ये सब साफ करो, सब गंदा पड़ा हुआ है। कहाँ फंस गया मैं? इसको भी बंद नहीं किया। ये भी यहाँ पे गिरा हुआ है। ये शॉन भी ना हद करता है, सुधरेगा नहीं ये। ठीक है, गुड नाइट, आई लव यू टू। साइकिल, ए साइकिल आ। जल्दी आ यार, चल बैठ। चला जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए। एक रिपोर्ट। ये ले। वीनू भैया। कॉल आया है। कौन है? पता नहीं। हेलो। क्या है सर? हाँ उस तरफ देखो, ठीक से देखो, ठीक से। हाँ उधर भी देखो। ए अंदर नहीं जा सकते तुम। सर ये मेरी कंपनी है। चलो बाहर चलो। हाँ उधर भी देखो। सर बात क्या है बताइए तो सही। ये कोई हेलमेट के लिए पैसे लेने वाली बात नहीं है, इसी कंपनी की वजह से मेरा घर चलता है। सर्च वारंट कहाँ है? वारंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बिना भी तलाशी ले सकते हैं हम। कुछ भी नहीं मिला सर। सर वहां कुछ भी नहीं है। अभी पता चल जाएगा। आओ। मेरी कुछ समझ भी नहीं आया। विक्टर सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम खड़ी करते नहीं है। कंपनी का सारा सामान उल्टा पुल्टा करके रख दिया। अरे भाई वहां गांजा डीवीडी या सीडी फालतू में कुछ भी रखकर फंसा देंगे यार। यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और तुझे पुलिस स्टेशन में भी नहीं बुलाया है। बाद में अगर कुछ होता है तो हम देख लेंगे। A lone scout swims ahead of his pod before they make an open water crossing. The drop-offs that chasm down into dark water are feeding grounds. Sheep. बेटी वो इमरजेंसी लैंप लेकर आ। दिव्या, दिव्या बेटा, हैं?
दिव्या माँ 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 पौने 2 करोड़ रुपए कितने डिजिट होते जानते हो? 1, 2, 3, 8 8 डिजिट्स। 2 करोड़ रुपए तुम्हारे हाथ में है जानता हूं, तुम्हारे खुद के हैं। इट्स ऑल योर मनी, ओके? अचानक एक दिन सारा कैश चोरी हो जाता है तो तुम क्या करोगे? पुलिस को बताओगे? पुलिस को बताओगे? नो, ये नहीं हो सकता है। वजह, तुम्हारे और पुलिस के बीच कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा। माँ, अब क्या करोगे तुम? पौने 2 करोड़ रुपए की बड़ी रकम छुपाने के लिए जगह की लिमिट होती है ना? सपोज तुम उसे जाकर पकड़ लेते हो, फिर क्या करोगे? मैं तो मार डालता, तू उसे छोड़ेगा क्या? है तू भी उसे वैसे ही मार डालेगा, मार डालेगा ना उसे? अरे मेरे भाई, उसे मारोगे तो क्या थ्रिल मिलेगा तुम्हें? है? मैं तो उससे 2 करोड़ रुपए वापस लेकर क्या करूंगा कि उसकी आंखें या कान या फिर उसकी 4-5 उंगलियां काट डालूंगा, क्योंकि मैं चार्ली हूं। मेरे एम्प्लॉय मिस्टर क्रिस्टी का 2 करोड़ रुपया ऐसे ही गायब हो गया है। उसे वापस लाने के लिए मुझे भेजा गया है। मैं तुम्हें पूरे 1.5 दिन का वक्त देता हूं, यानी 36 घंटे। तुम्हारे पास हो तो, तुम्हारे हाथ में हो तो तुम मुझे वो पैसे वापस दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान की गारंटी मुझसे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तुमने क्रिस्टी को धोखा दिया है, क्रिस्टोफर मोरियार्टी को। क्या कहा? 2 करोड़ रुपया? अरे कौन सा पैसा? अरे यार, कैसा पैसा कितना पैसा ये प्रॉब्लम नहीं है यहां। प्रॉब्लम ये है कि इसमें चार्ली इन्वॉल्व है। चार्ली? अरे इसमें वो आदमी कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? अरे ये वो चार्ली नहीं है, ये बार बार क्रिस्टोफर का नाम ले रहा है। मुझे तो लगता है कि क्रिस्टोफर कोई छोटी मछली नहीं है।
अरे मैं क्रिस्टोफर के बारे में कुछ नहीं जानता। 3 साल पहले की बात है, मेरे सीनियर अनवर अब्दुल्ला सर इस आदमी के बारे में कुछ फीचर सबमिट किए थे। डर से कोई भी एडिशन सपोर्ट नहीं किया और कोई फीचर बाहर नहीं आया, जानते हो। 3 साल पहले हमने देखा उसे एक अपार्टमेंट में उल्टा टांगा गया था। इट वॉज अ मर्डर, ही किल्ड हिम। लेकिन अगर चार्ली सामने आया तो? यार विनू, तू मुझे सच बता, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है तू? अभी मैं सच कह रहा हूं, मुझे पैसे के बारे में नहीं पता, इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर जानता होता तो तुम्हें बताता। मेरी मां और दिव्या डर कर जी रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ यार? क्यों, तू नहीं जानता यहां क्या हुआ है? सॉरी यार। क्या हुआ? क्या हुआ साइकिल, अब तुझे क्या हो गया? यार आई एम सॉरी यार, ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो पैसे तो मैंने ही लिए। कौन सा पैसा? गुड नाइट। ये शॉन ना कहीं भी फेंक देता है। चला गाड़ी, चला जल्दी बैठ। मैं रात को वापस कैफे में गया था। ये बात तुझे पहले हमें बतानी चाहिए थी। उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा और मैंने पैसे ले लिए। तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि यार मेरे घर के हालात कैसे हैं, बताओ। तो तूने वो पैसे कहाँ रखे? मैंने ना वो पैसे टी फैक्ट्री में रख दिए हैं। टी फैक्ट्री में? साइकिल तू पागल हो गया है क्या? भाई वो जगह सेफ है। टी फैक्ट्री के गोदाम में जो ड्रेनेज है ना, मैंने वहीं पे रखे हैं पैसे। चलो हम चलते हैं, अभी चलते हैं, जाकर वो पैसे ले लेंगे। अगली बार जब वो लोग आएंगे तो उन्हें पैसे दे देंगे। अभी इतनी रात में सारे टाउन में पुलिस भरी रहेगी और वो लोग भी होंगे, और नाइट पेट्रोलिंग में अगर हमारे पास कैश रही तो हम लोग गए, कुछ नहीं होगा। विनू इसकी बात भी सही है, हमें जो भी करना है सुबह ही करेंगे। याद है, यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर रखे, यही भी संभाल के।
पैसे तो इसी में थे यार। मैं सच कह रहा विनू, अभी यार यार पैसे तो इस बैग में थे। तेरी तो मक्कारी कर रहा है हमसे, पैसे कहाँ हैं? चल बता। ये कैसा मजाक है? देख तू मेरे परिवार के साथ खेल खेल रहा है, उन्हें कुछ हुआ ना? यार मेरी माँ की कसम, पैसे इस बैग में ही थे यार। तू जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो फिर पैसा कहाँ है? इसी में थे यार, मुझे नहीं पता। सुनो, इसकी बातें मैंने भी सुनी थी। एक सुनसान जगह पर एक आदमी पैसा लेकर आएगा और दूसरा आदमी पैसा लेकर जाएगा, ये सब पहले ही तय हो चुका था। इनके बीच डील हुई थी। लेकिन इसके छुपाए हुए कैश कहाँ हैं? मैं सच कह रहा हूँ यार, पैसे इसी में रखे थे मैंने। तो फिर कैश गए? पैसे वापस हासिल करने के बहुत से रास्ते हैं। बैग में चिप या मोबाइल फोन होने की वजह से GPS की मदद से वो आराम से पैसे निकाल कर यहाँ से ले गया होगा। देख, अगर आज रात उसे पैसे नहीं मिले तो वो हमें ढूंढेगा। मुझे तो ऐसा लगता है हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। फिलहाल तो हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। मगर क्यों? हमने कोई गलती नहीं की है। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। बहुत अच्छा। लगता है जैसे तू कुछ जानता ही नहीं। पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्रिस्टोफर के बारे में कुछ पता है तुम्हें? सुनो, मेरे पहचान वाले का कोटान में एक लॉज है। हम सब वहां चाहे जितने दिन भी रह सकते हैं और हम वहां सेफ रहेंगे। विनू, चार्ली तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। वो पैसा लेने जरूर आएगा। उसने साइकिल को भी देखा होगा, इसलिए तुम दोनों का साथ में रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। शांत, तुम विनू को लेकर जाओ। जेसी से मैं बात करता हूं। और हाँ, तुम्हारी माँ और बहन को किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी और रास्ता नहीं है। हाँ एबी, हाँ हाँ हम निकल गए हैं। वहां पर सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच ही रहे हैं। चलो। ओके। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हम यहां से दूसरी जगह पर जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर हम यहां से दूर रहेंगे तो भी कितने दिनों के लिए रहेंगे? कितने भी दूर रहे पर हमें इतने पैसे कहां से मिलेंगे? हाँ मां, आप निकल गई? नहीं, हम अभी रास्ते में हैं। हाँ अभी फोन मत करना, रेंज नहीं मिलेगा। ओके ठीक है मां, बाद में फोन करता हूं। Yeah.
छोड़ो, भाग जल्दी, भाग यहां से। उस दिन हम लोग किस्मत से बच गए थे सर। वीणु और मेरे अलग होने के बाद उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने उसके साथ क्या किया, मैं नहीं जानता हूं सर। और इतने दिनों बाद मैं वीणु से कल रात ही मिला था। रिलैक्स शॉन, रिलैक्स। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ के हेड से मिलना चाहता हूँ। फादर रुबीन यहाँ के हेड हैं। एक महीने से उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, इसीलिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल यहाँ की इंचार्ज सिस्टर वेरोनिका है। वो वहाँ जो फर्स्ट रूम दिख रहा है वो उन्हीं का है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए। थैंक्स। बताइए। मेरा नाम डेविड है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ अपने पुराने स्टूडेंट से मिलने आया हूँ, एबी, एबेनेजर। एबी वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब हैज ही गॉन आउट? मैं उसके लिए वेट करता हूँ। नो सर, वो दो दिन पहले यहाँ से चला गया। यहाँ की एक लड़की जेसी, उसके साथ उसने शादी कर ली। रजिस्टर मैरिज हुई थी उनकी। जेसी एबी के साथ शादी की इसने? आई नो सर, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता था, हमें यकीन ही नहीं हो रहा। काम पर जा रहा हूँ कहकर गया था, चार दिन पहले ही यहाँ आया था और दोनों ही बहुत टेंशन में लग रहे थे। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से दोनों ही कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। एक दिन एबी मेरे पास आया और कहा कि जेसी मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर उन दोनों ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और यहाँ से चले गए। कहा कि हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, आप हमारे अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपको भी उसकी बात पर शौक लगा था? सच कहूँ तो मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। पर जाने से पहले जेसी ने किसी से फोन पर बात की थी। नहीं नहीं जानते, लेकिन इसे इतना बड़ा इश्यू मत बनाना प्लीज। यहाँ से निकलते वक्त रोना नहीं, ये सही नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ओके।
तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ गए होंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि वो दोनों यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। ओह, आप यहाँ कॉलेज में पुराने स्टूडेंट्स को मिलना भी था इसलिए आया था। एनीवे, चलता हूँ सिस्टर। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू माय सन। थैंक यू। थैंक यू। मैं एक हफ्ते पहले बेंगलुरु में था, वापस आया तो मुझे सब पता चला। क्या हो गया था माजी, उसको क्या प्रॉब्लम थी? कुछ दिनों से वो थोड़ी तकलीफ में था। उसने बताया था कि किसी से प्यार करता है, मुझे लगता है उसी बात को लेकर परेशान था। लेकिन एक लड़की की वजह से ये सब? मैं वीनू को अच्छे से जानता हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया। उनके बीच में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लड़की का नाम जैसे। हाँ, जैसे उस दिन जब उसने फोन किया था मैंने ही उठाया था। हेलो वीनू, तुम्हारे लिए फोन है। हाँ आया। हेलो। हाँ मैं तो अभी आया हूँ, तुम क्यों वापस बुला रही हो? जैसे तुम वापस टेंशन में मत आ जाओ। हाँ तुम वेकेट करके उसके साथ आ जाना। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। एक बात बताइए, जैसे उस दिन यहाँ आई थे क्या? नहीं। ओह अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। माँ के जिंदा रहते हुए बेटे की मौत, ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। माँ जी आपको मौत पर विश्वास है क्या? अगर होता तो उसे मौत के मुंह से बचा सकती थी। उसे मरे हुए 2 दिन हुए हैं, आप उसे नहीं भूल सकती हैं। सही है। क्रिसमस की रात को एबी और जेसी का ऑर्फनेज से निकलना, वो लोग वीनू से मिलेंगे ये सिस्टर वेरोनिका नहीं जानती है, और उसी रात शान और वीनू का बाइक पर जाते समय एक्सीडेंट, और हॉस्पिटल से वीनू गायब होता है। एंड अगेन द सेम नाइट वो आत्महत्या कर लेता है। करने देते हो? सॉरी मैडम, रात में बहुत भीड़ थी इसलिए मैनेज नहीं कर पाया। मैनेज नहीं कर पाया, आज के बाद मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। अगर काम नहीं कर सकते तो ये नौकरी छोड़ दो ना, तुम्हें 4 पैसे मिल जाएंगे ये सोचकर रखा था, पर लगता है तुम्हें काम देकर मैंने गलती कर दी। जब देखो सॉरी कहते रहते हो। अभी के अभी ये गाड़ी यहाँ से हटवाओ, वरना कल से काम पर मत आना। ठीक है मैडम, करवाता हूँ। मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ, पार्किंग हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए।
अरे सुनो जी, उनकी गाड़ी मेरी जो जगह है ना वहाँ पार्क कर दो। और आपकी? कोई बात नहीं, मैं बाहर पार्क कर देता हूँ। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर, वो सुपरिंटेंडेंट है। अगर आपने गाड़ी पार्क करने नहीं दी होती तो मुझे नौकरी से निकाल देती। आप ही की वजह से सर आज मैं बच गया। एक सुपरिंटेंडेंट के लिए एक स्पेस फ्री देना चाहिए ना? सर मैंने उनके लिए एक नहीं बल्कि दो दो पार्किंग प्लेस मैनेज किया था। लेकिन इमरजेंसी में गाड़ियाँ आती रहती है तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ सर। इंसानियत में दूसरे को पार्किंग देनी पड़ती है। साइमन भाई जी, एक आदमी जब किसी की मदद करता है और फिर सामने से वापस मदद ना मांगे तो अच्छा आदमी होता है। लेकिन वो मदद करेगा ये सोच कर अगर हम उसकी मदद करें तो फिर हमें क्या कहा जाएगा? आप ही बताइए सर, मैंने तो आपकी कोई हेल्प नहीं की फिर भी आपने मेरी मदद की। अब आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मुझे जरूर बताइए। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है भाई। इस फोटो में देखने वाला आदमी, इसे मैं पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ। इस लड़के को आपने अपने हॉस्पिटल में देखा है क्या? जरा याद करके बताइए। इस लड़के को, ये लड़का तो 3-4 दिन पहले, नहीं कई बार यहाँ पर आया है। ये आदमी यहाँ किस लिए आया था ये आप जानते हैं क्या? सर बात यह है कि मेरी ड्यूटी सिर्फ वहीं तक है, आपको रिसेप्शन में जाके पूछना होगा। आप ये बताइए, इस लड़के के साथ इनमें से कोई आया था? इनमें से मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है भाई। एक्सक्यूज मी, मेरा एक दोस्त यहाँ एडमिट है, मैं उससे मिलने आया हूँ। नाम? वीनू रामचंद्रन। कब एडमिट किया था? एक हफ्ते पहले। ओके। सॉरी, यहाँ इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। अच्छा, अब उसने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया होगा और फिर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा? नो सर, एंट्री किए बिना कोई भी डॉक्टर से नहीं मिल सकता। आई सी। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ भाई। सर आपने लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स में पूछा था, वहाँ इंक्वायरी रजिस्टर में नाम आने का कोई चांस नहीं है, उसके लिए अलग रजिस्टर है, वो सामने दिख रहा है वही है। हाय। यस। इंक्वायरी पे गया तो यहाँ आने के लिए बोला। वीनू रामचंद्र नाम का कोई आदमी अपना टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर आया था क्या आप बता सकती हैं? सॉरी सर, हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से लैब टेस्ट डिटेल्स देने के लिए डॉक्टर का कॉन्फर्मेशन लेटर जरूरी होता है। मुझे टेस्ट की डिटेल्स नहीं चाहिए, वो आदमी यहाँ आया था क्या बस ये पता करना है। वीनू रामचंद्रन? नहीं सर, इस नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है। ओह, ओके। अब ये यहीं का नंबर है क्या? हाँ, ये नंबर तो यहीं का है। आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो यही है क्या? हाँ, यही है वो। ये आदमी एक बार यहाँ आया था ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने। टेस्ट की डिटेल्स बाहर नहीं बता सकते, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है, लेकिन आपने बता दिया कैसे? हाँ ऐसा ही है सर, मैं बता रही हूँ क्योंकि इस आदमी ने टेस्ट करवाया ही नहीं था, इसलिए ये ऑफिशियल नहीं हुआ ना। क्या उस आदमी ने अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया था? आपका खुद का ब्लड होगा तभी टेस्ट करवाएंगे ना, वो ब्लड सैंपल लेकर आया था, ब्लड जम ना जाए इसलिए उसने उसमें एंटीकोएगुलेंट मिलाया था, इसलिए हम उस ब्लड को यहाँ टेस्ट नहीं कर पाए सर। अच्छा, बाहर से कोई इसके साथ आया था क्या? नहीं सर। राइट, थैंक यू। ओके। अरे खाने का टाइम हो गया क्या? अरे सर मैंने अपने हाथ से खाना बनाया, आप मेरे साथ अगर खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं साइमन भाई, काम बहुत बाकी है,
ये बताइए, यहाँ एक लेबोरेटरी और कहाँ पर है? ये लोकल सेटअप है, सभी हॉस्पिटल्स में होता है, वैसा यहाँ भी है क्या? हाँ है ना, राइट से तीसरे मोड़ पर ही है, अर्चना और आर्या नाम है। बहुत ही टेस्टी है, मान गए। अरे मैं नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या रोमांस करोगे? क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। सच में? एक मिनट है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके। डेविड अब्राहम, आईपीएस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन। सिट डाउन। ये एक इलीगल जगह है, क्योंकि हॉस्पिटल और लैब में जो नहीं कर पाते वो यहाँ पर करते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ टेस्ट्स होते हैं, कानून के खिलाफ सारा काम यहाँ होता है। लेकिन मैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए नहीं आया हूँ। डर गई क्या? एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ। हमारा एक सस्पेक्ट थोड़े दिन पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए यहाँ आया होगा, उस पर हमें शक है। ये है वो, ऐसे आपने कहीं देखा है क्या? ये सर कि पिछले हफ्ते कुछ समय के लिए आया था। कुछ समय आया था मतलब क्या हुआ? शायद 4 या 5 बार ये कई लोगों के ब्लड सैंपल्स लाया था टेस्ट करवाने के लिए सर। वो टेस्ट रिजल्ट्स मैं देख सकता हूँ क्या? नो प्रॉब्लम सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए सर। इस फाइल की एक कॉपी आप मुझे दे सकते हैं? सर आप यही रख लीजिए ना, मेरे पास इसकी दूसरी कॉपी है। थैंक यू। ये मेरा नंबर है, मिस्ड कॉल दिया तो भी चलेगा। वीनू के काम को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत होगी, और आगे देखें तो उसकी एटीएम कार्ड की ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लीड है। ये एटीएम कार्ड्स के डिटेल निकाल पाना दरअसल बहुत मुश्किल है। खैर मैं उसे अपने तरीके से देखता हूँ। बट यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग, मैं बताता हूँ वो क्या है। वीनू इस शहर में पिछले हफ्ते रहा, और उस दौरान वो 6 बार ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गया, और इसके लिए उसने नंबर 2 वाला लेबोरेटरी ढूंढा, पूरे 28 सैंपल्स। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरह साधारण ब्लड ग्रुप रिपीट होने से वो बार बार लेबोरेटरी गया था। उसने जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए थे उनको ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए चुना। एट लास्ट उस क्रिसमस के दिन ही वीनू उस लेबोरेटरी में गया था, कंटिन्यू 7वां दिन, और जानते हैं उसके पास एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप था, ओ नेगेटिव, जो उसका ही ब्लड ग्रुप है। उसके बाद वीनू उस लैब में गया नहीं, और उसे जाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसी रात को उसने आत्महत्या कर ली। मुझे यकीन है कि इसका खुद का जो ब्लड ग्रुप है उसका सैंपल मिल गया, लेकिन इसके आगे कुछ अजीब हुआ। 7वें दिन वो जनरल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पड़ा था,
छह दिन खून के लिए वही शख्स भटकता फिरा था, लेकिन सातवां दिन द सेवंथ डे आने दो हाँ राइट नमस्ते सर। मोर्चरी कहाँ है? सामने। क्या ये आदमी कम से कम चार बार अंदर आया होगा, ये बताओ इससे अंदर क्यों जाने दिया तुमने? वो सर, इसका कोई दोस्त मिसिंग है, वो हर रात उसकी बॉडी ढूंढता हुआ यहाँ आता है। और मैंने उसे मना कर दिया। फिर क्या हुआ, इस आदमी ने तुम्हें कुछ दिया क्या? खैर जाने दो, ये बताओ कि आदमी तुमसे कोई बॉडी लेकर गया था क्या? नहीं सर। तुम्हारा चेहरा तो बता रहा है। अच्छा है, सच बताओ, दो दिन पहले वीनू रामचंद्र नाम का यह आदमी यहाँ आया था और उसी दिन यहाँ से एक बॉडी गायब हो गई थी जिसका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव, और उसके ठीक 24 घंटों के बाद एक बॉडी को यहाँ वापस लाया गया जिसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। इतना मैं जानता हूँ कि चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो, अब भी तुम कुछ नहीं जानते क्या? बताओ, कुछ नहीं जानते क्या पीटर? सर मैं कुछ नहीं जानता, मेरा दिन का ड्यूटी है सर। वैसे उस रात मैं ये लो ना। हाँ ठीक है सर। सर वो एम्बुलेंस नहीं था, लेकिन उसका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है सर। वीनू की एटीएम ट्रांजैक्शन डिटेल्स बताता हूँ। दिसंबर 20 से दिसंबर 24 तक उसने हर रोज 40,000 रुपये विड्रॉ किए। दिसंबर 25 को उसने 11,500 विड्रॉ किए। अभी उसके अकाउंट का बैलेंस है सिर्फ 130 रुपये। ओके। नहीं, मैं नहीं जानता। डॉक्टर, आप ही ने बॉडी का पोस्टमार्टम किया था ना, ये तो आप जानते हैं ना? वो सुसाइड केस था, अभी याद आया। वो बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी, उसकी बॉडी में पूरे पार्ट्स थे, ये भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर आप कुछ नहीं जानते। व्हाट डू यू मीन? उसकी बॉडी गली हुई थी और आपने उसका चेहरा नहीं देखा। ज़रा इसे गौर से देखिए, इसे आपने जिंदा ही देखा है, और यही नहीं कि आपने इसे जिंदा देखा है बल्कि गली हुई बॉडी वीनू की ही है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मिली है ऐसा आपने बताया। आपने बताया कि टैटू ही उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं और जॉइंट बोन्स भी है साथ में। टू बी प्रिसाइज, वो हाथ से बने हुए टैटू, वो इमिटेशन टैटू हैं। आपके हॉस्पिटल से गायब हुई एक बॉडी, पोस्टमार्टम की हुई एक बॉडी, उसे फिर से पोस्टमार्टम करके एक ही ब्लड ग्रुप और बॉडी में रहने वाले टैटू के आधार पर आपने उसका कंफर्मेशन सर्टिफिकेट दे दिया। उसके लिए आपको कितना पैसा मिला? Are you mad? ठीक है, बाकी मैं जानता हूँ। एक दिन पहले वीनू आपसे मिलने आया था क्या? वॉचमैन इस बात का गवाह है। और एक बात कि जिस दिन वीनू मरा उस दिन उसने
अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया और जो मैक्सिमम लिमिट है 40,000 उसके हिसाब से उसने 5 बार पैसा निकाला। उसमें से आपको कितना पैसा मिला था, यही बात मैं पूछ रहा था डॉक्टर। मिस्टर, मैं जानता हूँ आपको, आपको इज्जत दे रहा था इसीलिए आपकी बातें सुन रहा था। आपको कोई सबूत नहीं मिला इसीलिए आप मुझसे उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं बता सकता हूँ और मुझे अपने प्रोफेशन पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। मैं किसी संशय में नहीं रहता मिस्टर, समझ गए आप। पोस्टमार्टम का डॉक्टर होने के नाते मैंने अब तक यही काम किया और ऐसे केसेस मेरे सामने आते ही रहते हैं मिस्टर। मैं ये कह सकता हूँ कि इट वॉज ए प्योर केस ऑफ सुसाइड। उस आदमी की मौत पहाड़ पर सर टकराने से हुई थी। शनिवार की रात 12 बजे उसकी मौत पूरी तरह से कन्फर्म हो गई थी और उसके हाथ में टैटू और ब्लड ग्रुप भी वही है। एंड नो, इट्स नॉट अ इमिटेशन। और हाँ, मौत के डेथ स्टेटमेंट में हर बात गलत नहीं होती। और हाँ, आप कभी भी पोस्टमार्टम कर सकते हैं, सिर्फ मेरी बात नहीं है। उस स्टेटमेंट में आप कोई भी बात बदल नहीं सकते क्योंकि वो स्टेटमेंट पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में लिखा जाता है। ट्राई योर लक मैन, लेकिन एक बात मैं पक्का कहूँगा, जो मरा है वो यही आदमी है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आपका जो ईगो है वो मेरी बात नहीं सुनेगा, बट यू आर कंप्लीटली मिस्टेकन, आप यहाँ हार सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, एज यू सेड आई माइट बी मिस्टेकन, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये पोस्टमार्टम वापस होगा तब मैं फिर मिलूँगा, उस दिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, उस दिन ये बात नहीं होगी। कर्नन, नेपोलियन, भगत सिंह, ये तीनों के तीनों ही हीरोज हैं। ये सीधा आयरनी, डोंट यू? पता है ना कि ये तीनों के तीनों हार गए, लेकिन मैं हार गया हूं ये मत समझिएगा। मैं खेलता हूं तो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। आई ऑलवेज प्ले टू विन। मैं रात को 11 बजे आऊंगा, एक डेड बॉडी तैयार रखना। ए, ये क्या है? लेकिन सर, उसी रात 3 बजे के बाद हाँ जो ले गए उस बॉडी की जरूरत नहीं है, वापस लाया हूं। वो मेरा काम नहीं है। ले लो, जो पैसे दिए हैं वो वापस नहीं लूंगा। आधी रात को आगे तंग कर रहा है। नॉर्थ सी आई।
तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, चलो बैठो। शान, उस दिन तुमने मुझे जो कहानी बताई थी उसका अगला हिस्सा जानने के लिए मैंने बहुत सारे रास्ते ढूंढे, लेकिन मुझे अभी भी यह जानना है कि उस कहानी में तुम्हारा रोल क्या है। वो ही जानने के लिए तुम्हें यहां पर लाना पड़ा, और कोई रास्ता नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है शान, तुम सच बताओगे और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं शान। वीनू की मौत वो मुझे और केवल मुझे परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। वीनू और तुम अलग होने के बाद उस क्रिसमस की रात को तुम दोनों एक साथ एक बाइक पर मेरी जीप से टकराने तक साथ में थे। अब आगे बताओ। बताता हूं सर, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, बट आई नीड योर हेल्प, आई कैन टेक इट एनी मोर। जब एक्सीडेंट हुआ उस रात मैंने खुद को बचाने के लिए आगे पीछे कौन है इस बात का ध्यान नहीं दिया। वेणु कहां गया समझ में नहीं आ रहा था, मैं कुछ भी सोच नहीं पाया सर, मैं पूरी तरह से हार गया था। उसके पिछले दिन मैं शहर के एक लॉज में गया था, वो लोग कहां गए मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया सर, और उसके बाद मैंने ग्रीन मेड ऑर्फनेज और साइकिल के घर में भी फोन किया सर, वो लोग कहां चले गए थे उनके साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला सर। फिर मैं वापस आ गया और उन्हें फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, थोड़ी देर बाद किया तो वापस स्विच ऑफ आ रहा था, बट उस क्रिसमस की रात में पैरासिटामोल दो स्ट्रिप्स। थैंक्स। कहां गायब हो गया था इतने दिनों तक, बोल कहां चला गया था तू, बोल ना, और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स कहां पर हैं? भाई बता, अरे बता ना। शान रुक जरा, ओके कौन है वो? मैं बताता हूं कौन, बता है, कौन है वो? बोला ना बताता हूं, चल। अभी हम लोग कहां पर जा रहे हैं, और एबी और साइकिल कहां है? अरे शांत थोड़ा रुक जा, मैं सब बताता हूं, हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत ले, आराम से चला। शान, अभी तुम्हारे सामने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी हैं, लेकिन अभी तुम्हें जरूरत है प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की, एंड आई कैन प्रोवाइड यू दैट। ये है शान, तुमने कहा चार्ली? यस यस सर। तुम मुझे दो दिन की मोहलत दो, 48 आवर्स का टाइम,
फिर तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। यू कैन ट्रस्ट मी शान, यू कैन ट्रस्ट मी। इसे आप यहां क्यों लेकर आ गए? यह तो कुछ बता ही नहीं रहा है। विक्टर, इन चारों में से एक वो आदमी है जो वीनू के प्लान के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता है, जो मौत के दिन बॉडी को मॉर्चरी से लाया था, वो ही हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, और उसने ही अंधेरी रात में एक हेडलाइट वाली वैन चलाई थी। इन चारों में से ही कोई एक हो सकता है, ऐसा हम पक्का कैसे बोल सकते हैं? There are lot of other possibilities। इन चारों के अलावा कोई पांचवा भी हो सकता है जिसे हम नहीं जानते। हम इसे एनालाइज कर सकते हैं विक्टर। आखिर में शान शहर के ऑफिस में गया, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस रात को मैंने शान और वीनू दोनों को एक साथ देखा था। वो दोनों एक ही बाइक पर मेरी जीप के आगे जा रहे थे, और ठीक उसी समय उसी वक्त पर मेरी जीप के पीछे एक वैन थी। सो अभी हमें पूछताछ करनी है साइकिल जेसी एबी। एबी ग्रीन मिडो ऑर्फेनेज के सिस्टर वेरोनिका की बातों के मुताबिक एबी और जेसी वहां से निकले थे रात को ठीक 10 बजे, और वीनू मरा है उसी रात को ठीक 11:30 बजे। ओके, बट मौत हुई हिल टॉप वाटरफॉल्स के पास, ऑर्फेनेज से वहां जाने में 1.25 घंटा लग सकता है, फिर वापस 12 बजे के पहले वहां रहना कैसे पॉसिबल है? उस बॉडी को वहां उस मॉर्चरी तक ले जाने वाला एबी भी हो सकता है। ट्रू, 10 बजे ऑर्फेनेज से निकलकर 12 बजे हिल टॉप वाटरफॉल्स गया, और फिर वहां से वो जाहिर है कि मॉर्चरी भी गया होगा। लेकिन मॉर्चरी के वॉचमैन ने कहा कि जो बॉडी लेकर गया था वही बॉडी वापस लेकर आया, यही कहा उसने। और एक बात और, मॉर्चरी से बॉडी कलेक्ट करने का टाइम रात को 10:30 बजे, लेकिन उस वक्त तो एबी ऑर्फेनेज से निकला, ये पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जेसी। ऐसे सिनेरियो में ऐसा क्राइम करने के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज शी हैज नो मोटिव। वीनू की मौत से उसे कोई भी फायदा नहीं है। नो, वो क्या है कि हम न जान पाए और शान भी न जान पाए, ऐसा कोई मोटिव जरूर हो सकता है। दिस इज सर्टेनली पॉसिबल, पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल। व्हाई? ऑर्फनेज से निकलते वक्त एबी के पास जैसी रही, इसका मतलब एबी को इस काम के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, और आज तक हमने ऐसा कोई भी मोटिव नहीं सुना है। द चांसेस आर टू स्लिम। तो इस खेल में जेसी का क्या रोल हो सकता है? साइकिल, सरल सैंबल, शुरू से लेकर अब तक उसे ही पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने वीनू से उठाया था उसके इंटरनेट के जरिए। और एक बात और है कि जो कुछ भी हुआ वो उसने अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल भी नहीं बताया, सब कुछ छुपाया उनसे। इट शोज हाउ डेस्परेट ही इज, और डेस्परेशन ऐसे वक्त पे इंसान के माइंड को क्राइम की तरफ ले जाता है। हेलो, हेलो विक्रम, क्या हुआ? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। इस केस में मैं 3 साल के लिए अंदर था सर, इसे तो मैं देखते ही समझ गया था ये जाली नोट है सर। ये सारा काम करने वाले क्रिस्टी के आदमी हैं, इसीलिए मैंने आपको तुरंत यहाँ पर बुलाया। साधारण तरीके से इसे पहचानना मुश्किल है। वहाँ जाने के लिए बस की टिकट ली? आज रात 8 बजे की बेंगलुरु के लिए बस है सर।
टिकट वाले का नाम सिरिल सैमुअल है। भैया कितने पैसे हुए? कितने पैसे हुए भैया? 100 रुपये। तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वेलकम मिस्टर विनू रामचंद्रन, वेलकम बैक फ्रॉम द डेड। मर गया विनू रामचंद्रन, जब जिंदा वापस लौटे तो जाहिर है कि किसी को भी सवाल करने का मन करेगा। इस यात्रा में तुमने क्या किया और क्या क्या देखा, ये सारी बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बट यू कैन सेव ऑल दैट, क्योंकि पुलिस, कोर्ट, नीति, न्याय इस खेल से बचे हुए हैं। यहां तुम्हारी कहानी शान जैसे व्यक्ति को भी बिल्कुल नहीं पता। So like I said, you have no restrictions. अब तुम्हें बताना पड़ेगा बिना छुपाए। विनु, तुम्हें यहां इस वक्त बताना ही पड़ेगा, नहीं तो थोड़े दिनों के बाद एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या होगी उसे अच्छे से पढ़ने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, 7 दिन के बाद मैं तुम्हें लाया हूँ, और तुम जो भी सच या झूठ बताओगे उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें बताने का आत्मविश्वास है तो गो अहेड, टेक मी ऑन। उस दिन चार्ली से बचकर मैं कोट्टालम के एक लॉज में रहा। क्या हुआ यार, शान कहाँ है? यार शान मेरे पीछे था, मैं वहां से भागकर कैसे कैसे करके अपनी जान बचा कर आया हूँ। लेकिन वो है कहाँ? शान कहाँ है ये मैं नहीं जानता। हाँ।
मैंने पहले ही कहा था कि ये काम हमारे बस का नहीं है। अगर हम उसके हाथ में फंस गए ना तो हमारी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। हेलो, हाँ बताइए आंटी। ये भी अब क्या करें यार? वो लोग घर का सारा सामान उठा ले गए। लेकिन वो लोग हमारे घर पर क्यों गए यार? देख लेना, वो लोग कल हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेंगे। इससे जो तुम खुद को ही मार ले यार। साइकिल, पैसा तूने लिया था ये चाली नहीं जानता है। अगर तू हमसे दूर रहेगा तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वीनू, उनकी नजरों में तो पैसों का नुकसान हुआ है तुम्हारी शॉप में, इसलिए चाली की नजरों में तुमने ही पैसे लिए हैं। और वापसी के लिए कैश हमारे पास है नहीं, करोड़ों रुपयों की बात है। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक जरूर आएंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं। अब जैसा साइकिल कह रहा है, अगर तुम ना रहो तो मैं नहीं रहूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से बचने का हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जो हमें करना ही पड़ेगा। हम सबको इस राज को अपने बीच ही रखना होगा। आमतौर पर मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में जो डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, उन्हें या तो एकेडमिक पर्पस के लिए दे दिया जाता है या फिर सरकारी खर्चे से दाह संस्कार कर देते हैं। हमारा खेल यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले हमें एक डेड बॉडी चाहिए, सेम तुम्हारी ब्लड ग्रुप की। हमें वहां पर उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराना होगा। पोस्टमार्टम की हुई बॉडी ठीक तुम्हारी बॉडी से मिलती जुलती होनी चाहिए। उसका रीपोस्टमार्टम होगा, आइडेंटिटी चेक होगी और हमारा काम इस तरह से बन जाएगा। सुनो, मरने के 48 घंटे के अंदर शरीर के बहुत से हिस्सों में ब्लड नहीं जमता है, तो तब तक हमें ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा। और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ तो ड्राई ब्लड हो सकता है, और अगर एंटीक्यूरन देते हैं तो इस बात को कोई नहीं पकड़ पाएगा। मेरी बात आपको माननी पड़ेगी माँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जैसी ने मना कर दिया, लेकिन मैंने उसे समझाया कि यही एक रास्ता है और आखिर में वो मान गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ दो तीन लोग और होंगे। रिपोर्ट के रजिस्टर में एक ही आदमी साइन करेगा। रिपोर्ट बनाने वाले यही लोग हैं और यही हमारे काम आएंगे।
हमने ये बात शान से छुपाई क्योंकि वो नहीं मानता। हम सब ये जानते थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उस क्रिसमस की रात को हमें जो बॉडी चाहिए थी वो हमें मिल गई। मैं शहर आया और शान से मिला। सुनो अभी, मैं अभी जाकर बॉडी कलेक्ट करता हूँ। मैं और साइकिल हिल टॉप जाएंगे। हाँ, तुम जेसी को लेकर वहां जाना। हाँ ठीक है। इतने दिनों तक कहाँ था तू? बोलना शान। और हमारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? शान मैं सब बताता बताना हूं। मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है तू? बोल जल्दी। शान मैं सब बताता हूँ, चल। सुन साइकिल। अरे शान, तू टेंशन मत ले, मैं उसे सब बता दूंगा। तू हमारे बाइक के पीछे आना। ओके 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 ओके, मैं बताता हूँ, तू बाइक तो स्टार्ट कर। उस रात हम पहली बार मिले थे। शान के साथ बाइक में जाते वक्त साइकिल पीछे से आ रहा था, ये शान नहीं जानता था। शान को मैं कैसे समझाऊं ये सोचते वक्त आपकी गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हुआ। चलो हॉस्पिटल चलेंगे, मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे विनु, तेरे सर पर तो चोट लगी, हॉस्पिटल चलना अच्छा रहेगा। और रास्ते में कोई गैराज मिले तो अपनी बाइक वहीं पर ठीक करवा लेंगे। यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, मेरी गाड़ी में जाएंगे। आई विल ड्रॉप यू। क्लिनिक में किसी को भी ना बताकर मैं साइकिल को मिलने हिलटॉप के नीचे गया था। कहाँ थे यार अभी तक तुम? क्या हुआ वीनू, ये चोट कैसे लगी? सब बताता हूँ अभी, चलो। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं। तुमने जो कहानी बताई उस पर आधा विश्वास करता हूं। एक सवाल, मेरा एक ही सवाल, अगर तुमने मुझे उस पर कन्विंस कर दिया तो। अभी वो कहां है? उसे क्या हुआ मैं जानता हूं, लेकिन कैसे हुआ यही मेरा सवाल है। हिल टॉप में जो बातें हुई थी उन सब को जानने के लिए ही मेरा सिर पूरी तरह से घूम रहा है। सो टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। बीनू, तुम्हारे इस मौन से पुलिस के मन में जो बात चल रही है वो साबित हो जाएगी। यू किल्ड हिम, एबी को तुमने मारा, सही है? नहीं किया है, मैं बताती हूं क्या हुआ था, सब कुछ बताती हूं। हाँ।
मुझे बहुत डर लग रहा है यार। लगता है तू पागल है। तूने आत्महत्या की है और यह सब कुछ तेरी अपनी प्लानिंग है। यह सिर्फ क्रिस्टोफर को विश्वास दिलाने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताने के लिए है। कल को यहां नीचे गहरी खाई से मिलने वाली बॉडी वो तुम्हारी अपनी बॉडी होगी जिसे तुम्हारी मां भी मानेगी। अभी मैंने तुम्हें नीचे गिराया तो इसे सब आत्महत्या मानेंगे और शायद तुम्हारी नियति में यही लिखा है। तुम ये क्या बोल रहे हो अभी? जैसी शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरी बचपन की दोस्त रही है जेसी, लेकिन अभी तुम उसे अपनी जिंदगी के रास्ते में ले आए हो। कभी मैं उसके दिल में बसता था लेकिन इस वक्त तुम उसके दिल में बस गए हो। क्या? सच कह रहा हूं और यह सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उसे भूल नहीं सकता और अगर तुम ही नहीं रहे तो जेसिका मेरी होगी। आज के दिन का मैंने इंतजार किया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें मरना होगा विनू, तुम्हें भूल कर ही जेसिका मेरी होगी। आई एम सॉरी विनू, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। साइकिल? हाँ? उन लोगों को गए बहुत देर हो गई है। अब तक तूने वापस आ जाना चाहिए था। विनू, मैंने ही तुम्हारे इंटरनेट कैफे में पैसा रखा था और मैंने ही तुम्हें पुलिस में पकड़वाया था। लेकिन साइकिल ने मेरे प्लान को बिगाड़ दिया था उस वक्त जब पुलिस ने वहां पर रेड डाली थी। फैक्ट्री में मैंने ही वापस से पैसे बदल दिए थे, लेकिन उस वक्त जब तुम चार्ली के हाथों से बचकर कुटाउन लॉज में मेरे सामने खड़े थे उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया और फिर मौत का सारा नाटक तुमसे मैंने ही करवाया। बहुत ही सोच समझकर मैंने इस प्लान को बनाया विनू, इसे तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने रास्ते के कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए। क्या है अभी? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? चलो मारो मुझे, मार।
तुमने क्या कहा? मैं एक पागल हूं? हाँ, मैं हूं एक पागल। मैंने तुम पर विश्वास किया, हम सब ने किया। हमने ये जो काम किया ये सब की भलाई के लिए किया है, जैसे कि साइकिल की, शाहान की, यहां तक कि तुम्हारे लिए भी। तुमने मेरी मां और बहन को भी धोखा दिया है अभी। कैसे कैसे तुम्हारा मन किया ये करने का? तुमने हम सबको धोखा दिया है। सुन विनू, एबी, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है यार। एबी से भूल जा यार, जैसी जाने दे यार। अब वैसे भी यहाँ सिर्फ हम ही लोग तो हैं। जाने दे एबी, जाने दे यार। एबी मेरी बात समझना। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुमने इतना सब कुछ किया, हमें धोखा भी दिया विनू को मारने के लिए। ये हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। नहीं जैसी, मुझे माफी चाहिए भी नहीं। ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वीनू, वो सारे पैसे उस गाड़ी में हैं, वो पैसे मुझे नहीं चाहिए। अगर वो पैसे तुझे मिल जाएं तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इंटरनेट कैफे में मैंने बैग रखा था तब से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। वीनू, मैंने उन पैसों को कभी भी वापस देने का नहीं सोचा। तुम्हारा वो पुराना एबी बनना मेरे वश का नहीं है। इसलिए अब मेरे जीने से क्या फायदा? जिसे मैंने हमेशा प्यार किया वो जैसी भी मुझसे नफरत करती है। I'm sorry. आइडेंटिफाई करने के लिए गले हुए एबी के शरीर को मेडिकल हॉस्पिटल में
ये मेरे बेटे का शरीर है, ऐसा ही वीनू की मां ने कहा था। एबी और वीनू के साथ में बनाए हुए टैटू और आइडेंटिकल ब्लड ग्रुप्स, इन सब से एबी की मौत वीनू के नाम पर हो गई। ये आधा सच तो बिल्कुल है। इट वॉज इन फैक्ट क्वाइट अ ब्रिलियंट प्लान। लेकिन अभी भी जवाब नहीं मिला, ऐसा आप लोगों को मानने से कोई फायदा नहीं। एबी के हाथ में ये सारा पैसा कहां से आया, और शुड आई से एबी के हाथ में जो जाली नोट थे वो उसे कहां से मिले? वीनू, तुम्हारे इंटरनेट कैफे में जो पैसा छुपाया गया, 1,75,00,000 रुपया वो फेक करेंसी है। Grade 1 काउंटरफीट करेंसी। तुझे या शान को या जेसी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तुम लोग एबी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। क्रिस्टोफर मोरिया का बहुत पैसा उसके पास है, वो भी उसी का ही एक आदमी है। क्रिस्टोफर से वो पैसा लेगा और तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा, ऐसा उसने सोचा था। ये जाली नोट है, इन्हें कैसे यूज करना है ये जानना उसके लिए जरूरी था। और वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो न सिर्फ वो बल्कि सारे लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। तो हुआ ये कि तुम्हारे हाथों से जो पैसा मिस हुआ वो क्रिस्टोफर का था, और वो एबी को ढूंढ रहा था, पैसों को ढूंढ रहा था। इस वक्त आप लोगों के हाथों में पैसा है। और एक बात और, एबी की वजह से तुम सब एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट का हिस्सा बन गए। लेकिन उसका जो मर्डर हुआ वो तुम लोगों के रोल की वजह से ही हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। और इस डर की वजह से एक के बाद एक तुमने बहुत सारी गलतियां की, और मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता क्योंकि इस वक्त तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। सो वो पैसा यहां पर रखकर तुम लोग जा सकते हो। क्लेम नहीं किया बल्कि एक बैग में कुछ रुपया रिकवर किया, ऐसे एफआईआर दर्ज कर दूंगा और ये यहीं खत्म कर सकता हूं। बट मेक इट फास्ट बिफोर आई चेंज माई माइंड, क्योंकि आज डेविड इब्राहिम ने तुम लोगों पर दया दिखाई है, लेकिन कल क्रिस्टोफर और देश की जुडिशरी दया नहीं दिखाएगी। गो ऑन वीनू, लीव द मनी, टेक योर फ्रेंड्स एंड गो होम। ये एक फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए, इसके बाद किसी भी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इन रिटर्न आई गिव यू माई वर्ड, तुम्हें ढूंढते हुए कोई भी नहीं आएगा। गुड नाइट। विनू, चाबी। देख शान,
तुझे हम सारी बातें बताना चाहते थे, लेकिन हम लोग गाड़ी रोक दे। हाँ यार शान, बता रहा हूं ना, ऐसा होगा हमने कभी सोचा नहीं था। मैं तो गाड़ी रोक दे। हमने अभी सारे पैसे किसको दिए? क्या? हम अभी सारे पैसे किसे देकर आ रहे हैं? डेविड इब्राहिम सर को। कौन है डेविड इब्राहिम? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो साथ में थे। डेविड इब्राहिम आईपीएस क्राइम ब्रांच। उनके साथ हमारा परिचय सिर्फ एक ही रात में हुआ, और जो आदमी हमें जानता है उसने हमारे साथ कितना वक्त बिताया, और हम ये कैसे यकीन कर ले कि वो पुलिस वाला ही है? इस बात का क्या सबूत है? वन करोड़ 25 लाख पूरा पैसा है। हैप्पी न्यू ईयर क्रिस्टोफर।